भाई साहब, तुम भी अंदर किया हुआ। और अब होने जा रहे हैं मौत का खेल, और फिर अंदर सीधा। ओ भाई साहब, ओ भाई लग रहे यार, अहमद की रेखा जा रही है। अचानक से यार बहुत ही अच्छा मौसम हो गया और तेज बारिश आ चुकी है, और मैं जल्दी से ना इनको यार अंदर बांध देता हूँ। ये देखें बेचारे परेशान हो रहे हैं बारिश में। रुक 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 जा, रुक जा, ये भी आ चुके हैं भाई। ये पकड़ो यार कैमरा इनको, मैं जल्दी से अंदर बांध दूँ। हवा देखें कितनी तेज चलने लग पड़ी है। चलो 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 जल्दी, भागो भागो भागो, मैं इसे खोलता हूँ। रुको भाई रुको, खोलो यार इसे भी जल्दी, तेज हो गई है वो। देखें जल्दी खोलो, जल्दी 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 खुल नहीं रहा यार। ये नहीं है, ये नहीं है यार। खुल गया, भागो 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 भाई साहब, ओ भाई साहब, तुम भी आ जाओ अंदर। किया हवा, हवा अंदर की है, सारा पानी अंदर आ रहा है। हां ले आओ इसे, ये भी जाओ जाओ जाओ, इसे भी अंदर सारा पानी आ रहा है। पानी भरने लगे, ठंडा पानी है भाई साहब, ठंडा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो यार अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि अभी से कोई आधा घंटा पहले ना तेज़ बारिश हुई है, और तकरीबन आधा घंटा बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि धूप भी निकल आई है और बादल हट चुके हैं। तो हम सोच रहे थे कि हमारा फाउंटेन आधा भर गया है, तो उसको हम पूरा भरते हैं पहली दफ़ा आज। और आज ना इसके अंदर मैं स्विमिंग करूँगा, मेरे कपड़े पहले ही गीले हैं, और आज मैं इसके अंदर ना लेट जाऊँगा। तो देखते हैं यार मज़ा आता है या नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है मेरे ख्याल से। साथ साथ ना मैं डक्स को भी अंदर छोड़ दूंगा, डक्स के साथ आज मैं नहाने वाला हूँ भाई साहब। ने यार इसे भर लिया है, और अब होने जा रहा है मौत का खेल। मैं इस बहुत ही ज्यादा गहरे मौत का खेल, इतने पुनीत सुपरस्टार ना बनो। यार नहीं वो नहीं मान रहा। तो यार ये बहुत ही गहरा पानी है, आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर इंसान जाए तो बहुत ही मुश्किल से बचेगा, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ही ज्यादा है। तो मैं मौत का खेल, ये मौत का खेल, और इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ आज। पहले मैं चलूंगा इसके ऊपर और फिर अंदर सीधा। ओ भाई साहब, ओ भाई लेट गया मैं अंदर, ठंडा पानी है। ओए यार ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवा में उठ रहा हूँ, कसम से यार मैं स्विमिंग नहीं करता, मुझे डर लगता है पानी से। मुझे वाटर फोबिया है, मैं पानी में नहीं जाता। लेकिन इसके अंदर मैं लेटूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली दफा इतने पानी में लेटा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उठ रहा हूँ। वाह भाई, ये कैमरा पकड़ो यार, ऐसे ना करो यार, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है। एक काम करो, हाँ मुंह भी अंदर डाल दो। लेकिन मजा आ रहा है यार, आप देख सकते हैं फुल हो गया पानी। ला भाई डक्स को भी छोड़ दो यार, जल्दी ले आओ। दिल कर रहा है कि बंदा आराम से लेटा रहे यहाँ पर, तेज गर्मी और इसके अंदर लेटा रहे। छोड़ दो वैसे ये गांधे अंदर। ओ भाई साहब, बाहर नहीं जाना भाई, इधर आओ। ये बाहर भाग गई यार, पकड़ो इन्हें दोबारा। तो यार इन्हें पहले अंदर छोड़ लेना, फिर मिलते हैं आपसे। ये आ गया हमारे स्विमिंग पूल में ना, इस टाइम चार चार डक्स नहा रही हैं। तुम भी आ जाओ। नहीं आप ही नहाओ इनके साथ, तुम्हारी आंख नहीं ठीक, तुम बाहर ही रहो, और जगह भी नहीं है भाई तुम्हारे लिए। तो ये यार मुझे ना पूरे जिस्म पे काट रही हैं, क्या हो गया? उफ यार गदी गदी हो रही है, कसम से बहुत ज्यादा। पीछे हो जा। ओए यार अहमद की रेखा जा रही है। भाई साहब, भाई साहब यार क्या कर रही है, डर लग रहा है कसम से, डर लग रहा है। इसे पीछे करो। तो यार हम कुछ देर ऐसे नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
यार बहुत हो गया मजाक, मेरे ख्याल से बाहर निकल जाना चाहिए, कहीं बीमार ही ना हो जाऊं, लेने के देने ही ना पड़ जाएं। तुम रहो अंदर, मैं जाता हूं बाहर। अंदर ही शाबाश। मजा आ गया भाई, मजा आ गया यार, बहुत मजा आया। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके अंदर अपने पूल के अंदर ना नहाऊं, बारिश की वजह से ना कपड़े पहले गीले थे, तो इसलिए अब मैं बाहर आया हूं, क्योंकि डक्स जो थी ना अंदर वो गंद कर रही थी और मुझे बाहर आना पड़ा। ना करो, इसे क्या कर रहे हो यार? नहीं यार, ए मौसम जट, बारिश वाला मौसम बीमार हो जाएगा, पागल हो तुम? मुर्गियों के लिए ठीक नहीं होता यार ये तो इनका नेचर है यार, इनका चलो नहाने देते हैं इन्हें। तो चलिए यार, अब मैं जाकर नहाता हूँ और खुश कपड़े पहनता हूँ, बहुत मजा आया यार। बारिश आने से मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन एक काम खराब हो गया था कि क्योंकि बारिश की जो सी हवा थी वो इस साइड की थी ना, तो ये कमरा सारा पानी से भर गया था और नीचे फुल कीचड़ हो गया था, और काफ़ी देर से इस कमरे की सफाई भी नहीं हो सकी थी हमारे मास्टर रूम की, तो इसी बहाने ना इसकी सफाई भी करनी पड़ी मुझे इमरजेंसी में। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था यार, लेकिन अब आप देखिए मैंने सफाई कर दी और साफ़ हो चुका है बिल्कुल। और बारिश आने से ये फ़ायदा हो गया कि कमरा साफ़ हो गया, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और लेकिन खैर यार, कमरा तो वैसे भी साफ करना था और अच्छा हो गया कि कर दिया हमने, और मैंने यहीं से पानी लेकर ना साफ़ कर दिया, क्योंकि ये पानी अभी साफ़ ही था। मैंने कहा कि पानी ज़ाया नहीं करते, और जितना पानी बचा ना इसे हम ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमें अभी चाहिए नहीं है, इसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं, आराम से सारा निकल जाएगा पानी। क्योंकि अभी यार मछलियाँ नहीं है ना, तो अभी इसमें पानी रखने की फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मछलियाँ आ जाएंगी तो फिर तो 24 घंटे इसमें पानी ही रहा करेगा। चलें यार, बकरियों को घास डालने का टाइम हो गया, ये भी मैं डाल देता हूँ। और यार तुम अपनी आँख जल्दी से सही करो, कल ना हम जाएंगे नर्सरी चलेंगे, और वहाँ से ना कल हम प्यारे प्यारे पौधे ढूंढ कर लाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि बेल वाले पौधे मिल जाए ना, तो वो हम अपनी कॉलोनी के अंदर लगा लेंगे, और क्योंकि दरवाज़ा आने से पहले ना कॉलोनी को हम अंदर से तैयार कर लें तो वो ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये कैमरा पकड़ो यार, ये लो। चलो भाई, और कल यार चलेंगे लाजमी, क्योंकि और कल ना अंदर मटकियाँ वगैरह भी देखेंगे लगाएंगे, और इसके अलावा और क्या काम है भला, स्टिक्स वगैरह में लगानी है। हाँ, स्टिक भी लगानी है अभी। हाँ, तो बस वो हम ना कल लगा देंगे, फिनिशिंग करें, क्योंकि फिर दरवाजे आ जाएंगे दो तीन। कब तक आएंगे दरवाजे? यार उसने कहा था कि उसके पास दो तीन दिन का काम है, उसके बाद वो एक दिन के अंदर बस बना देगा, मतलब कि परसों या चौथ उसने एक दिन में बनाकर हमें दे देने हैं दरवाजे। अच्छा खासा खा पी कर खड़े हुए हैं ये दोनों, टकलू और टकली, लेकिन इनकी ये जो सी नीयत है ना वो ही नहीं भरती। इनकी बस यही है कि मैं दूर जाऊँ और ये इसके अंदर जाकर ना इनका सारा घास फुला दें। चलो भागो यहाँ से, बहुत ही कंजूस है तुम लोग तो, हद से ज्यादा कंजूस हैं ये दोनों। क्या ये पटेर अंडे नहीं देते क्या? ये फार्मिंग पटेर है ना, मैंने सुना है कि यार ये अंडे देती हैं। इनको आए काफी अरसा हो गया, लेकिन कोई अंडे वगैरह इनके आ ही नहीं रहे। यार मुझे लगता है कि हमारे जो सेटअप पे सबसे जो फजूल चीज है ना वो पटेर ही है। प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अंडे वगैरह देते ही नहीं है। ये शायद मेल है और ये दो फीमेल है हमारे पास, लेकिन अच्छा इनका वजन भी अच्छा हो गया, काफी वजन हो गया इनका, लेकिन अंडे वगैरह भाई, अंडे वगैरह दो ताकि हम कोई इंक्यूबेटर या कोई कबूतर के नीचे या हम कोई डव के नीचे रखें अंडे तुम लोगों के। मुझे बहुत शौक है यार, इनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये अंडे वगैरह नहीं दे रहे। तो अगर आप में से किसी ने रखे हैं ना तो आप लोग जरूर बताइएगा, बस ये डरते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर। तो लाजमी बताइएगा कि यार ये पटेर अंडे देते हैं या नहीं देते, और कब देते हैं, किस उम्र में देते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, इतनी देर में तो मुर्गी भी बड़ी हो जाती है भाई जब से ये आए हुए हैं ना। हमें एक और काम करना है कि हमें ये तरपाल ना किसी दिन बाहर निकाल करना है, इसको कट करना है इस साइज़ से कि हमारे मिनी जू के ऊपर ये आ सके। वैसे इस तरपाल का साइज़ आपको याद होगा, हमने एक पहले व्लॉग में खोला था, ये पूरी छत के बराबर है, लेकिन हमें इसे कट करना है कि ये वहाँ पीछे से लग कर ना यहाँ तक आ सके तकरीबन, और यहाँ पर छाऊँ रह सके हमारी तकरीबन आधी छत पर। तो इसको हमें निकाल कर कट करना है, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ना इसको यार हम उस साइड से तो वहाँ बांध लेंगे, वहाँ पर हम पीछे कील वगैरह लगा लेंगे और लगा भी हुआ है, तो यहाँ से बांध जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन इस साइड से ना आप देख रहे हैं कि दीवार ऊँची नहीं है, तो यहाँ से बांधना मसला होगा, तो यहाँ से ना हमें देखना पड़ेगा। इस साइड से तो ईजी है यार, यहाँ पर हम बांध लेंगे, वो आपको हुक नज़र आ रही होगी ये देखें, लेकिन इस साइड से ना थोड़ा सा मसला रहेगा। यहाँ अब हम कहाँ बांधें, ये छत भी थोड़ी नीची है ना, तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन हमें ना पीछे यहाँ पर हम कोई हुक लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी छत नीची है, तो ये काम भी ना करेंगे कल लाजमी, कल तो नहीं शायद परसों या चौथ करेंगे, क्योंकि दरवाजे पहले लग जाए ना फिर ही ये काम करेंगे। ओ भाई साहब, तो यार इससे ना हमारे मिनी जू की लुक बहुत ही प्यारी आएगी। ये भी ना काफ़ी मुश्किल काम है, इसको बाहर निकालना और फिर इसको कट करना, ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और मैंने अपने सभी बर्ड्स को बंद कर दिया अंदर, और रात को फिर बारिश दोबारा आ सकती है। तो मैं इस व्लॉग में यहीं पर आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगर आपको आज का व्लॉग आया हो पसंद तो इसे लाइक करिएगा, और हमारे चैनल मिनी पेट हाउस व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज आपने देखा कि यार मैंने ना इस फाउंटेन में डक्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मैं नहाया हूँ और बहुत ही यार मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फन किया। अब मैं मिलूंगा आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।